बाबा भगवान वैद्यनाथ है, वैद्य बोले तो डॉक्टर है। यहाँ का स्टोरी ऐसा है, एक मारतंग नाम का यक्ष था, यक्ष बोले तो राक्षस। यहाँ पर ये जहाँ पर बैठे हैं ये मेरुगिरी पर्वत है, कौन सा है? मेरुगिरी। यहाँ पर गाय भैंस चराता था, तो गांव में के गणलोक है उसको ये राक्षस आतुनाथ छल करता था, त्रास देता था, पूजा में बाधा डालता था। कौन? और यक्ष। जो यह जो मेरुगिरी पर्वत है इसके ऊपर एक वैजुमा नामक भगत रहते थे। कौन से? वैजुमा नामक भगत रहते थे और गाय भैंस को चराते थे। वो जो गांव में के गणलोक है वो भगत के पास आ गए। वो बोले कि ये जो राक्षस है हमको आतुनाद छल करता है, त्रास देता है, पूजा में बाधा डालता है, आप उसका सर्वनाश कर दो। किसको बोले? भगत को। वो भगत बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो भगत बोला कुछ तो भी ऐसा करो कि वो राक्षस का सर्वनाश हो जाए। तो जो वैजुमा नामक भगत थे बाबा के बहुत बोले एकदम क्लोज भक्त थे। वो जो भगवान जी शिवजी प्रकट हो गए उस जगह पर बैठ के शिवजी की आराधना की। तो आराधना करने के बाद का ही कालांतर के बाद शिवजी उसको स्वयं प्रकट हो गए। तुझे बोलो क्या चाहिए माँ? वो उसको उस टाइम हवेश नहीं था, मुझे गाड़ी बंगला पैसा ऐसा हवेश नहीं था। वो बोला आपकी देने की इतनी इच्छा है, शिवजी को बोला आपकी देने की इतनी इच्छा है तो आप एक काम कर दीजिए, राक्षस है उसका सर्वनाश कर दो, यही मेरी मनोकामना है। वो बोला ठीक है। शिवजी बोले ठीक है, तथास्तु तो बोल दिए। राक्षस के पास गए, उसका सर्वनाश कर दिए, उसको मार दिए और वापस वो भगत के पास आ गए। ये जो तूने सृष्टि के लिए काम किया है फिर ये खुद के लिए कुछ तो भी मांगो, मेरे की देने की इच्छा है। ठीक है, बोला आपके देने की इतनी इच्छा है तो मेरे नाम से आप प्रकट रह जाओ, अमर रह जाओ, ऐसा बोल दिया और आशीर्वाद दिए। तो स्वतः शिवजी ने आशीर्वाद दिया, वो भक्त ऑटोमेटिक जमीन में गुप्त हो गया और शिवलिंग की मूर्ति ऊपर से ऊपर आ गई ऑटोमेटिकली। उस टाइम से भगवान का नाम वैद्यनाथ हो गया। जो भगवान भक्त लोग है उसको स्पर्श करना है, स्पर्श करना है, चरणामृत पीना है, जो शरीर में जो रोग राई है पूरे नष्ट होते, उस टाइम से उनका नाम वैद्यनाथ हो गया और गांव का नाम परली हो गया। परल्याम वैद्यनाथं च सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जयिनीम अहंकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च। झारखंड में एक वैद्यनाथ है, झारखंड, वो बाबा वैद्यनाथ धाम है और ये परल्याम वैद्यनाथं च श्लोक में इनका पांचवा स्थान है, पांचवा नंबर है। यहाँ पर पार्वती माता बाहर है। बाहर क्यों है? यहाँ हरिहर मूर्ति है। हरिहर, हरिहर बोले तो हर बोले तो महादेव, हरि बोले तो विष्णु जी, विष्णु जी गुपित है इसलिए पार्वती माता बाहर है। शिवजी को आते ही परिक्रमा होता है, यहाँ पर पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। ये त्रिकाल पूजा होता है, तीन परिक्रमा होता है, ऐसा यहाँ का स्टोरी है। वैद्यनाथ भगवान की जय। और एक यहाँ का महत्व है, अपने जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में इसमें इनका पांचवा स्थान है, बाबा वैद्यनाथ आरोग्य भगवान। यहाँ पर जो भी विधि कार्य किया जाता है अपने और अपने परिवार के हेल्थ के लिए होता है, बाकी इधर कुछ नहीं, धन वगैरह कुछ प्राप्त नहीं होता, आरोग्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है। जिसका उसका जिनका नाम है उनके नाम से यहाँ नित्य सोमवार को पूजा होता है और बाय पोस्ट आपको प्रसाद अंगार रुद्राक्ष भेज दिया जाता है। किसी की इच्छा है तो अभी संकल्प कर सकते हैं। वैद्यनाथ भगवान की जय। किसी की इच्छा हो गई तो बोल सकते हैं, नाम एड्रेस गोत्र लिख के दिए, यथासांग पूजा होता है और बाय पोस्ट आपको प्रसाद अंगारा रुद्राक्ष भेज दिया जाता है। यदि पूजा नहीं करना है तो मॉर्निंग में सवेरे 6 बजे आपका अभिषेक हो जाएगा, तो यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा और सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक आपका नित्य पूजा हो जाएगा आपका आरोग्य के लिए, बाकी इधर कुछ नहीं होता।